बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। कोरोना से देश में 24 घंटे में 6,148 लोगों की हुई मौत, बिहार के रिवाइज आंकड़ों की वजह से बड़ी संख्या। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 202 अंकों की उछाल के साथ खुला। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को कोविशील्ड की दूसरी डोज 28 दिन बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। सीबीएसई तैयार कर रहा है खाका, कमेटी भी हुई गठित, 12वीं के रिजल्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि ब्लैक फंगस के चलते सभी राज्य के आंकड़े दी। साई बाबा सेवा मंडल की जांच के आदेश, धर्मादाय आयुक्त ने 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा। नेस्ट परीक्षा हुई स्थगित, आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी। तेज हवा और बारिश में बढ़ रहे हादसे का खतरा, पेड़ों की छटाई करे जिम्मेदार। प्री मॉनसून से नदी और तालाबों में बढ़ेगा जलस्तर, तालाबों में वापस पानी भरने का जताया जा रहा है अंदेशा। शहर में मॉनसून के ट्रेलर ने खोली पोल, बारिश पूर्व प्रशासन की तैयारी के दावे निकले खोखले। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना। ऐसे में और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।